गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपकी जो बुक है आर ओ, उसका काव्य भंग का चैप्टर रुबाइयां और गजल, जिनका एक्सप्रेशन मैंने आपको समझा दिया था। तो आइए इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। देखिए, कवि ने राखी के लच्छों को बिजली की चमक की समान बताया है, जिसके माध्यम से वह ये कहना चाहता है कि बहनें जो हैं, वो हमेशा अपने भाइयों की कलाई को सजाने के लिए रंग बिरंगी राखी खरीदती हैं, और इन राखियों को चुनते समय उनकी जो चमक है उसका कहीं ना कहीं वो विशेष ध्यान रखती हैं कि हम ऐसी राखी खरीदें जो बहुत ही अलग हो, स्पेशल हो और सुंदर हो, ताकि हमारे भाई की कलाई पर अच्छी लगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। खुद का पर्दा खोलने से बच्चों यह आशय है कि खुद के दोषों को प्रकट होना, अर्थात हमारे जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब कोई निंदक बढ़ चढ़कर कवि की बुराई कर रहा है या निंदा कर रहा है, तो वास्तव में वह कवि की निंदा ना करके खुद के बारे में हमें बता रहा है कि खुद की कमजोरी क्या है, खुद का स्वभाव कैसा है जो दूसरों की वह बुराइयां कर रहा है, और कहीं ना कहीं वह ये भी प्रकट कर रहा है कि वह कवि से कितनी ईर्ष्या करता है, उसकी वो ईर्ष्या भी कहीं ना कहीं प्रकट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस्मत हमको रो ले रे, हम किस्मत को रो ले। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनी तना का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, कैसे। देखिए, कवि को निराशा के क्षण में ऐसा लगता है कि किस्मत ने उसका जो साथ है वो कभी नहीं दिया है, अतः वह अपनी बदकिस्मती के लिए रोता रहता है। उधार किस्मत उसकी उदासी को देखकर हरदम रोती रहती है, उदास रहती है, अर्थात बच्चों दोनों का आशय यह है कि कवि प्रेम में स्वयं को अभागा महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिप्पणी करें, गोदी के चांद और गगन के चांद का क्या रिश्ता है। देखिए, गोदी का चांद यानी कि माँ का बहुत ही प्यारा दुलारा बेटा। माँ अपने बच्चे को चांद मानती है और उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहद प्यार करती है उसको। बच्चे को आकाश में खिला हुआ जो चांद है वो भी बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। वह उसे खिलौना मानकर कहीं ना कहीं अपने हाथों में लेना चाहता है, अर्थात उसे लगता है कि आकाश का जो चंद्रमा है, काश मैं उसको खिलौना बनाकर खेल सकूं। दूसरा है, देखिए आपका टिप्पणी करनी है, जिसपे हमें सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। सावन की घटा और राखी के त्योहार में बच्चों अटूट संबंध होता है, क्योंकि जो रक्षाबंधन है वो हमेशा सावन के महीने में ही आती है, और अर्थात राखी जो है सावन के मौसम में ही आता है, उस महीने में आता है। इधर आकाश से जल से भीगे जो बादलों की छटाएं हैं वो हरदम छाती रहती हैं, और उधर भाई बहनों के मन में प्यार की जो घटाएं हैं कहीं ना कहीं उमड़ती रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिराक के रुबाइयों के आधार पर माँ द्वारा बच्चे को खिलौने और प्रसन्न करने का क्या दृश्य प्रस्तुत किया गया है। देखिए, माँ अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा मानती है, वह उसे अपनी गोदी के लिए हुए आंगन में खड़ी हुई है, कभी वह उसे अपने हाथों से झुलाती है तो कभी वह हवा में उसे उछालती है। उछलने पर बच्चे के मुंह से प्रसन्नता भरी किलकारियां, जो किलकारी होती है, जोर जोर की हंसी होती है, वो निकल पड़ती है। इस प्रकार माँ बच्चे का ये वात्सल्य दृश्य बहुत ही मनोरम देखने को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ द्वारा बच्चे को नहलाने धुलाने का जो वर्णन है वो किस प्रकार से है। देखिए, माँ अपने शिशु को साफ स्वच्छ जल से मैं नहलाती है, वह अपने हाथों से जल को उछाल उछाल कर बच्चे के तन पर डालती है, बाद में वह उसके जो उलझे हुए जो बाल हैं, केसू हैं, उनमें कहीं ना कहीं कंघी करती है, और कंघी करने के बाद जब बच्चे को वह अपने घुटनों में थाम कर उसे कपड़े पहनाती है।
तो बच्चा बड़े ही मधुर से प्यार से अपनी माँ की तरफ देखता है, या कह लीजिए कि अपनी माँ का जो चेहरा है उसे निहारता रहता है। माँ बेटे का ये मधुर दृश्य सचमुच ही बड़ा ही मन को मोहने वाला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक द्वारा चांद मांगने की जिद का वर्णन किस प्रकार से है? देखिए, जो बालक है वो आकाश में खिले चांद को देखकर उसे पा लेना चाहता है। वह समझता है कि ये जो चांद है, चांद भी एक तरह का खिलौना होता है, अतः वह जिद बांध लेता है कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए। फिर माँ उसको बहलाने के लिए प्रतिबिंब यानी दर्पण आईना में चांद दिखाती है और कहती है कि ले तू अपने हाथ में इस दर्पण को पकड़ ले, ये दर्पण के साथ साथ तेरा जो चांद है वो भी अब तेरा हो गया है। और बच्चा प्रतिबिंब को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिराक की गजल व्योम श्रृंगार से संबंधित है कैसे, सिद्ध कीजिए। देखिए, फिराक की जो गजल है वो प्रेम के वियोग पक्ष से संबंधित है। वियोग में प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता हुआ रोता है और तड़पता रहता है। उसकी आंखों से कहीं ना कहीं आंसू जो है वो छलकते रहते हैं, और इस गजल की यही विरह वेदना व्यक्त हुई है, जिसके प्रमाण स्वरूप ये शेर भी देखिए। तेरे गम को पास से अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेते हैं। फिराक अपनी गजल के शेरों की चमक के पीछे अपने आंसुओं को ही मानते हैं, और वो कहते हैं, आबो ताब अशरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है, यह हम मोती रोते हैं। फिराक की गजल में प्रेम की दीवानगी व्यक्त हुई है कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिराक की गजल में प्रेम की मस्ती और दीवानगी है, यह दीवानगी भीगी भीगी सुनी रातों में अपनी प्रिय की याद करते हुए तड़पता रहता है कवि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह से चित्रित किया गया है? फिराक की गजल में बच्चों रस फैलाती हुई कथा तथा रात के सन्नाटे का काफी सुंदर वर्णन किया गया है। फूलों की कली, रस और गंध से भीगी हुई जो पंखुड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं खोलकर मानो आकाश में उड़ने को तत्पर हैं, तैयार हैं। रात का जो सन्नाटा है वो मौन है, तारे भी आंखें झपकाकर सो गए हैं, ऐसे में केवल सन्नाटा ही सन्नाटा बोल रहा है। तो बच्चों, ये थे आज के क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।